नहीं, आप बिल्कुल नागपुर के संतरे की तरह लग रहे हो। ऑरेंज ऑरेंज मीठे 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 होते हैं ना। आई जी शुभ्रा कुलप्रीत, बुरा ना माने, बट या थैंक यू फॉर लविंग। मुझे आई टैग्स बहुत थिंक बहुत ही पसंद फन है मेरे लिए तो, क्योंकि सुबह से नाच रहे गा रहे, गर्मी है। हेलो। हाय। शादी का धमाल चल रहा है, बाराती तो आ चुके हैं, लेकिन कचहरी टेंशन बनी हुई है क्योंकि चीरू जो है वो मंडप में नहीं पहुंचे, तो इस पर क्या कुछ ऐसा भी कुछ हुआ है? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है, मैं तो अभी चीरू भाई को बुलाने गया हूँ, तो क्योंकि चीरू भाई और काना अंदर बैठे हैं, नॉर्मली बाहर सेटअप देखते नहीं है। हाँ, हम सब वेट कर रहे हैं, तो अभी मैं जाके चीरू भाई को लेकर आऊँगा शादी करने, कराने आई मीन। यस, सो बेसिकली हम सब वेट कर रहे हैं। अभी तो शादी हुई का, अभी तो बच्ची है, गया है नकुल लेने उन्हें। ओके, अगर आपको इनकी तारीफ करनी हो तो कैसे करें? इम्पॉसिबल चीज़ें कुछ। नहीं, आप बिल्कुल नागपुर के संतरे की तरह लग रहे हो। ऑरेंज ऑरेंज मीठे 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 होते हैं ना। मुझे शर्मा गई। मुझे करनी है, अभी क्या बोलूँ मैं? अभी नहीं, मतलब ग्रुप में जब देखा था क्या? वेरी कूल। या ही वाज लुकिंग कूल। ओके, इसके अलावा ये भी जानना चाहती कि शादी सीजन से तो आप लोग के लिए कितना टफ है या कितना इजी है? बिकॉज सीरियल्स में कई बार ये होता है कि काफी लंबा चलता है, तो वो कितना मुश्किल या इजी होता है आप लोगों के लिए? बताओ। नहीं, आई थिंक बहुत ही फन है मेरे लिए तो, क्योंकि सुबह से नाच रहे गा रहे, गर्मी है, पसीना बहुत आ रहा है, बट उसका मैंने एक इलाज ढूंढ लिया है। टी शर्ट पहन के घूमो, बाकी शॉर्ट के टाइम जैकेट पहन लो। सो या यू हैव टू फाइंड योर वे आउट, बट आई थिंक इट्स फन ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशन। सो यस, बिना शादी किए शादी का मज़ा ले लो। ऐसे तो वी वर वेटिंग कि कब शादी वाला सीक्वेंस स्टार्ट होगा, बट पता नहीं था इतनी मेहनत होगी। बड़ी गर्मी है यार, बट मजा आ रहा है, इट्स फन। ओके, आप दोनों को अपना लुक पर्टिकुलरली कैसा लगा, कितना पसंद आया, नहीं पसंद आया, लाइक वेडिंग लुक? वेडिंग लुक अच्छा लगा, पसंद है। अंजलि ने हमारी कपड़े डिजाइन किए हैं एंड इट्स ब्यूटीफुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप? आई थिंक मुझे ये चीज़ें मैंने खुद मांग के लिए अंजलि से। बट आई लाइक दिस समथिंग लाइक बलून बॉटम्स एंड अ नाइस शेरवानी एंड पगड़ी तो इज़ ऑलवेज माई फेवरेट। आई लव वेयरिंग पगड़ी, सो इट्स अ नाइस लुक। आई होप आपको अच्छा लगेगा। ओके, कई दिनों से यू नो फैंस रिक्वेस्ट कर रहे थे आप दोनों का साथ में इंटरव्यू दे। हैं? किससे रिक्वेस्ट की? हमसे। आपसे? ओह, तो आपने क्यों नहीं लिया? अभी टाइम मिला था। ठीक है, आप बिजी थे ऐसे बोल दो। ठीक है ठीक। ओके, सो उन फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आप दोनों की जोड़ी को काफी पसंद कर रहे हैं शो में? मैं तो कहूंगा थैंक यू गाइस, आपको रश्मि और नकुल की जोड़ी पसंद आई एंड उनके लिए उन्होंने नाम भी कुछ रखा है, राइट? क्या नाम? रकुल एंड वन मोर दिस रशुल। अच्छा, रशुल एंड रकुल, नाइस नेम्स ऑल्सो। आई जस्ट होप रकुल प्रीत बुरा ना माने, बट या थैंक यू फॉर लविंग। टैग्स में अब हम हैं। राइट, सो या आई थिंक इट्स नाइस दैट दे हैव एक्सेप्टेड द पेयर एंड उन्हें अच्छा भी लग रहा है, दे आर वांटिंग टू सी मोर ऑफ रकुल, सो होप टू मीट यू गाइस मोर ऑफन। कुछ कहना तुम? हाँ जी हाँ जी, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि सबको पसंद आ रहा है एंड अभी जो जितने भी यू नो रस्में, सॉरी मैं फेस्टिवल्स बोलने वाली थी, जितने भी रस्में हो रहे हैं उसमें भी कुछ कुछ क्यूट से सीन्स आने वाले हैं, सो या वेट फॉर इट। तो मुझे बता तुम्हारा फेवरेट रकुल सीन कौन सा है? आई गेस मेरा ना वो फेवरेट कॉलेज वाला था जब वो, अच्छा, वो गेट वाला आए थे। हाँ, इट वाज गुड। मेरा आई थिंक वो गाना था जिसमें इसके नाक पे आइसक्रीम लगाने मिला था, उनको बड़े मजा आए थे, उन्होंने नाक के अंदर घुसा दी थी आइसक्रीम। या सो
ओके थैंक यू वेलकम।